हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मैंने इतना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इतना इतना स्टार्टअप करा, इतना फेलियर भी देखा है, लेकिन किसी में अभी तक सक्सेस मिल ही नहीं था। एक ढाबा खोला था रोड साइड पे, MCD वाले ने उड़ा दिया उसे। मैं दिखाता हूँ वीडियो में। क्या हुआ? ढाबा तो उड़ा ही, बाकी मेरा गैस सिलेंडर थाली थूली जो भी था सब गायब। अवन था, मतलब वो हॉटकेस नहीं होता पेटीज वाला, वो था, पतीला था, बहुत सारे सामान था, बस स्टीमर बच गया मोमोज का। और बाकी A to Z जितना भी था, मतलब कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का सामान तो उड़ गया, मतलब चोरी हो गया। कौन ले गया? चेयर तक नहीं है, चेयर भी उड़ गया यार। न्यू चेयर खरीदा था 1700 रुपये का था, 4-5 पीस, 5 थे मेरे ख्याल से, सारा गया। बहुत भारी नुकसान हो गया। अभी तो फिलहाल डिलीवरी का काम कर रहा हूँ पोर्टल में, इसमें थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन जो भी पैसे आ रहे हैं सारे मतलब EMIs में चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेली का 1800 रुपये आप समझ सकते हो, किसी तरह मैं भर रहा हूँ डेली 1800 रुपये। नहीं कर पाता, 1000 रुपये मुश्किल से कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, बस किसी तरह कर रहा हूँ। कहना यही चाहता हूँ कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। यार बहुत पैसे लगे थे यार, 1 लाख रुपये पहले लगा दिया, फिर इसमें 50,000 रुपये लगा दिया, सारे के सारे डूब रहे हैं। EMIs पे EMIs बढ़ते जा रहे हैं, जेब में तो पैसे थे ही नहीं कि लगाऊं खुद के जेब से। आगे का समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, पता ही नहीं अब कितने दिनों तक EMIs भरने के चक्कर में ये धूप में मैं चेहरा गया तो ऐसी वॉट लगी पड़ी है और लग जाएगा, हालत ख़राब हो रखा है यार। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जिस काम में आ डाल रहा हूँ वही डूब जा रहा है। नौकरी में कर नहीं सकता मैं, किसी गाली नहीं सुन सकता ना, बर्दाश्त नहीं होता यार। मैं सुना दूंगा फिर कुछ होता है तो, पहली बात तो दिमाग में आई नहीं रहा नौकरी। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा कभी किसी का। भाई जो पोर्टल काम कर रहा हूँ ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, किसी का नौकरी करना नहीं हुआ, इसमें किसी का सुनना नहीं पड़ता। तो गाइस आप सपोर्ट करो थोड़ा, मैं डेली ब्लॉगिंग भी करूँगा, मोटो ब्लॉगिंग भी करूँगा, हेलमेट ले लेता हूँ, अभी फ़िलहाल स्कूटी है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक बाइक निकलवा लूँगा, फिर अच्छे से और ब्लॉगिंग हो सकता है। तो वही कहना चाहूँगा यार, मेहनत करते रहो। मतलब वो टूटना होता है ना, वो टूटा नहीं हूँ मैं यार, मैं तो रिक्स लेते रहूँगा, तो रिक्स लेकर काम करता ही रहूँगा। जितने भी स्टार्टअप करा ना उसका सबका मैंने वीडियो बनाया था, ब्लॉग बना रखा है, लेकिन डाला नहीं। अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा, अपनी दुकान दिखा दूंगा किस तरह का दुकान था मेरा। तो कमेंट कर देना अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए, मैंने कैसे स्टार्टअप करा था, क्या खोला था। वीडियो तो बनाया लेकिन डाला नहीं है यार, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। कितना भी अच्छा सोच लो लेकिन अच्छा हो ही रहा है। यार मेरा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार। साइड पे मैंने ढाबा करा था, इसका छोटा सा झलक दिखा देता हूँ मैं, बाकी दुकान भी करा था। अगर आप कहोगे तो उसका वीडियो मैं डाल दूँगा इसमें नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे तो। ढाबा वाला तो उड़ गया, छोटा सा झलक दिखा देता हूँ मैं इस वीडियो में आपको उसका। लग रहा है ढाबा, कमेंट करके बताना। तो बस दुआ अपना साथ में रखना, ठीक है, बस भगवान की कृपा से चल जाए थोड़ा तो मज़ा आ जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा अपनी लाइफ, पटरी से उतरी हुई है अभी तो।